एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मूड ऑफ मोहल्ला। मूड ऑफ मोहल्ला में आप बात करते हैं ग्रेटर कैलाश की। यहाँ भी लगभग वही हालात हैं। सड़कें, नालियां और सीवर ने लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ है। इस बार एमसीडी इलेक्शन में लोग ऐसा पार्षद चाहते हैं जो इलाके का हो, साथ ही इलाके का विकास भी करे। वोट्स मांगने आते हैं तो हमारी मार्केट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनको किसी को इस मार्केट से वोट नहीं मिलते, क्योंकि हम बाहर से आते हैं। कोई वेस्ट दिल्ली से आ रहा है, कोई ईस्ट दिल्ली से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है। साउथ दिल्ली के हम रहने वाले नहीं है। मार्केट हमारी साउथ दिल्ली में है। हमारी कोई नहीं सुनता, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसलिए हमसे रिक्वेस्ट है, हमारे एक दो टॉयलेट्स है, प्लीज़ यहाँ पे आके ठीक कर दीजिए। बस हमारी यही एक रिक्वेस्ट है। किसी कोई भी पार्टी जीत के आए, हम पार्टी से रिक्वेस्ट करते हैं। जो कुछ मिल रहा किराएदार को कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है, लोकल है, उन लोगों को मिल रहा। कोई भी किराएदार को कोई फैसिलिटी नहीं है। पानी, बिजली, कोई पैसा कमी हम लोगों पर नहीं है। कोई कम नहीं कर रहा, हम लोगों से ज़्यादा ले रहा। उन लोगों पानी का बिल नहीं भरना पड़ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरना पड़ रहा, वो अलग है। लेकिन हम लोग रेंट किराए में रहते हो, रेंट पे रहते हो, हम लोग का सब कुछ देना पड़ रहा। थोड़ा सफाई को लेके है इशू, क्योंकि पास पड़ोस में या फिर पीछे जो बेसिकली जो बैक वाली कॉलोनीज है, तो उसमें काफ़ी कचरा सा होता है। और बाकी सेफ्टी के पर्पज़ से दिस इज़ फाइन, नथिंग अ बिग डील। समस्या मेन है सीवर लाइन की, और दूसरी समस्या है यहाँ पानी की। गंदा पानी आ जाता है लाइन में बार बार। और तीसरा ये यहाँ पे रोड की समस्या है। यहाँ पार्किंग का समस्या सबसे ज़्यादा है, और हमारे एरिया में कोई भी पार्क नहीं है इस एरिया में। ये तीन समस्या हैं, चार हैं हमारे एरिया की जो ज़्यादा गंभीर समस्या हैं। इसके लिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, लिखित में एप्लीकेशन देते हैं बार बार एमसीडी ऑफिस में, और अपने निगम पार्षद को भी लिखा कई बार, और एमएलए को भी हमने कई बार सूचना दी है बार बार। अतिक्रमण और पार्किंग सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे यही है। बाकी कोई समस्या नहीं, ना बिजली की, ना पानी की, ना ही किसी और समस्या का है। सबसे बड़ा समस्या अतिक्रमण और पार्किंग। सारे पार्क बन चुके हैं। ये पार्क एक ऐसा है, ये पार्क का भी बनने का नाम नहीं लेता। क्यों ऐसा कि समस्या इसमें, ये किस लिए रखा हुआ पार्क, जहाँ क्या फैमिली नहीं रहती, जहाँ बच्चे नहीं रहते। लोकेशन कौन सी है? लोकेशन टंकी वाला पार्क है, DDA फ्लैट J4 J3 के अंदर, J4 और J3 के सामने वाला। इसके अंदर में शादी ब्याह वगैरह जो फंक्शन होते हैं, उसे जो DJ चलते हैं, वो इतना परेशान कर देते हैं कि आदमी ना तो सो सकता है, बीमार भी तो ना रह सकता है। इतनी मुश्किल है इसका। अगर इसको बना देंगे तो ये जो रफड़ा होगा ये ख़त्म हो जाएगा। यही है कि सफाई चाहते हैं हम। पार्क की सफाई होनी चाहिए, फूल पौधे होने चाहिए, मगर यहाँ कोई पौधा ही नहीं है, कोई फूल वाला। और गंदगी देखो कितनी है। ये सुनते हुए आ रहे हैं बार 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 इलेक्शनों में, यही रोना होता है, मगर होता कुछ नहीं है। मीठापुर की जनता अभी भी नेताओं से उम्मीदें लगाए बैठी है। जनता को भरोसा है कि आज नहीं तो कल पार्षद इलाके की तरफ ध्यान जरूर देंगे। हालांकि जनता की आस हर बार टूट जाती है, लेकिन क्या है इस बार लोगों को चुनाव और उम्मीदवारों से उम्मीदें, आइए जानते हैं। साफ सफाई को लेकर के हमारे इलाके के अंदर ना कोई सफाई है, ना कोई नाली की सफाई है, ना कोई सड़कों की सफाई है। जबकि हम भी मानते हैं और सरकारें भी मानती हैं कि नगर निगम का जो कार्य है वो सिर्फ इतना है, गांवों की कॉलोनियों की सफाई करना है। उन सफाइयों के अंदर अब तक 4 पार्षद बन लिए हैं, और 4 पार्षदों ने सिर्फ अपना पैसा ऐठा है, लेकिन पब्लिक सेवा के लिए उन्होंने कोई योगदान आज तक नहीं दिया है। हमारे मीठापुर वार्ड ओम नगर जो क्षेत्र है हमारा सर, यहाँ पे कोई भी पार्क नहीं है, जिसे कहते हैं छोटा से छोटा या कोई थोड़ा सा भी कोई वन वृक्ष स्थल हो, जहाँ सैर सपाटा कर लें या बच्चे खेल लें, कोई ऐसी सुविधा नहीं है हमारे क्षेत्र में। ठीक है सर, साफ़ सफाई की जहाँ तक बात है, कोई साफ़ सफाई अगर होती भी, जो रूटीन सफाई होती है नालियों की, कूड़ा निकालते हैं वहीं छोड़ देते हैं, इतने वो गाड़ी आती है उठाने में, इतने वो सूख जाता है कूड़ा और फिर दोबारा नालियों में भर जाता है। गांव के हालात, कॉलोनियों के हालात, कहीं भी आप घूम लें इस क्षेत्र में, कहीं साफ सफाई अच्छी नहीं। समस्या ये है कि हमारे क्षेत्र में गंदगी बहुत ज़्यादा, और उस मतलब इतनी सफाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। और वो नालियों की स्थिति कैसी है? नालियों की यहाँ पर नाली नहीं है, तो उसकी सफाई तो 1.5 साल में होती है एक बार। MCD पार्क है यहाँ पर कोई नहीं है। पूरे क्षेत्र में गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, कोई सफाई नहीं होती। यदि निकाल जाते हैं तो बाद में उसको फेंकने के लिए भी नहीं आते, और वो वापस ही उन्हीं में चला जाता है। सफाई की बहुत ज़्यादा परेशानी है, गंदगी बहुत है, धूल मिट्टी भी बहुत
उड़ती है, ना कोई यहाँ पार्किंग है, ना कोई एमसीडी पार्क है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। इतने बड़े इलाके में कोई पब्लिक टॉयलेट है? पब्लिक टॉयलेट अब बने हैं, अभी 17 में बने हैं 2-4, पहले नहीं थे। एक तो हमारे इधर आगरा कनाल है, उसी में मतलब उसको गिरते थे खत्ता को, और पूरा गंदगी गाँव में ही आती है। आप जाके देख लीजिए इतने कितनी गंदगी है, इतना रोड ख़राब है जी, कोई सफाई का काम नहीं है। जो भी आता मच्छर तो इतना जी, बहुत ज़्यादा मच्छर है। गंदगी नालों में गंदगी पड़ी रहती है। कभी कोई चुनाव के समय तो नेता लोग कह जाते हैं कि साफ़ सफाई होगी, वोट हमें घर पर आते हैं देने के लिए, मांगने के लिए। स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, पता दिन में ही स्ट्रीट लाइट जलती है, रात में कभी जलती नहीं जलती, और दिन में तो जली रहती है स्ट्रीट लाइट हमारी गलियों में। ये प्रॉब्लम है स्ट्रीट लाइट। साफ़ सफाई कोई नाली साफ़ करने नहीं आता भाई, बहुत गंदगी फैल रही है, लड़के बीमार हो रहे हैं कॉलोनियों में। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था चिकनगुनिया हुआ था, उसमें बहुत परेशान हुए थे। तो ये है कि एमसीडी वालों से ये अपील है कि टाइम टू टाइम अपने साफ़ सफाई कर्मी भेजें। सड़कों की स्थिति कैसी है यहाँ पर? सड़कों की स्थिति आप देख सकते हो, कहीं से गड्ढे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। किसी एरिया में बहुत बढ़िया सड़क है, किसी एरिया में एकदम पिछड़ा हुआ पटक रखा है। सबसे पहले हमारा ये रोड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सबसे पहले नाली साफ नहीं हुआ, रोड भी इतना ऊंचा बना दिया, घर सबका गड्ढा में पड़ गया। और यहाँ पानी आज तक पानी, कोई भी सरकार आया, मैं समर सीवर के लिए बात किया, गंगा जल का बात किया, आज तक पानी नहीं आया। अब बिल खूब जम के आ रहा है, पानी कभी आता ही नहीं। अब पानी के लिए मैं कितना बार, नरेंद्र शर्मा जी हमारा यहाँ का विधानसभा के नेताजी हैं, उनको पास अब गया तो बोला जी रोड ऊंचा है आपका, पानी खोलता हूँ नहीं पहुंच पाता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा बात को। तो मैंने कहा नेताजी आपने सर्च किया था जो पानी पहुंचेंगे, केजरीवाल सरकार कहते हैं हम जो घर घर पानी माफ़ कर दिए, हम बिजली फ्री कर दिए, तो जब पानी नहीं पहुँच रहा तो बिल कहाँ से माफ़ कर दिए, कैसे माफ़ कर दिए, पानी कहाँ माफ़ कर दिए, पानी आता नहीं। हम लोग टैंकर से खरीद, टैंकर से मंगाते हैं, टैंकर को उसको पैसा देकर 10 रुपये इकट्ठी भरते हैं, काम कोई नहीं करता। अब यहाँ की पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है, इस बार दिखाएंगे, इस बार वादे से थक चुके हैं हम वादों से। सड़कों की स्थिति कैसी है? सड़कों की स्थिति ये सब जो करा हुआ है ये सब हमारे गली वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं इनकी बदौलत ही हुआ है। खम्भों की लाइटें वाइटें सब अपने फंड से करा हुआ है यहाँ पे, कोई भी काम उनके उससे नहीं हुआ। पाइपलाइन यहाँ तक बिछी हुई है लेकिन पानी कभी नहीं आता। और यहीं आकर पीछे चले जाओ जो कि एक तरह से मद्रासी कॉलोनी डीवन, वहाँ पानी बहता रहता है, वहाँ से यहाँ आने में 200 मीटर का फर्क है लेकिन पानी कभी नहीं आया। डिस्पेंसरी है लेकिन दूर है, और ये कूड़ेदान कोई का वो नहीं बना हुआ है, और जो कर्मचारी आते हैं सब कूड़ा उठाने वाले जो, तो घर से 50 रुपये दिए जाते हैं, वही आते हैं उनको दिया जाता है पैसा। नाली वालों के कभी कभी ये होता है कि बरसाती नाली जो बनी हुई है ये साफ़ नहीं हो पाती ठीक तरीके से। बाकी वैसे सड़कों की हालत सही है, सड़क नई बनी हुई है सारी। यहाँ पे तो बहुत समस्या है जी, यहाँ पे ये लगा लो हमारे यहाँ पे मतलब फूल कली नारवाल जो हमारी पार्षद थी, उन्होंने आज तक कोई गली वली में कुछ काम ही नहीं किया। साफ़ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है, सीवर वीवर सब भरे पड़े हैं, रोड वोड सब उखड़े पड़े हैं, आज तक कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पर। एमसीडी पार्क है यहाँ पर? एमसीडी पार्क बड़े क्षेत्र में नहीं है, डीडी फ्लैट के अंदर है, और यहाँ पे कोई पार्क वार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी समस्या आई है इनके पार्षद, क्या नाम है, नगर निगम के जो ये इनों के घर के चक्कर मारते रहते कि भाई नाली ख़राब हो गई, नाली बंद हो गई, कोई सुनवाई नहीं, अपने घर में एसी खोल के बैठी आराम से तसल्ली से। नालियों की कैसी थी यहाँ पर? नाली जाम हो जाती है बारिशों में, बारिश में क्या, अब भी वैसे भी जाम हो जाती है, ये सफाई नहीं है। ये सड़कों की कैसी थी? बेकार है जी बिल्कुल। ये अभी MLA आया था यहाँ पर 2 साल में, जब जाके तो ये मैनहोल बदला है। MCD पार्क है यहाँ पर? नहीं कोई नहीं है। वोटर तय करेगा कौन मारेगा बाजी और किसकी होगी हार। मूड ऑफ मोहल्ला, जनता कहता है कि इस बार ये जंग नहीं होगी आसान। चलिए आज के लिए इतना ही, खबरों का सफर है जारी, देखते रहिए टोटल न्यूज़।